नमस्कार, बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्राची पारासर। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। थाना मोती नगर के पुलिस कर्मियों की इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना जो इतिहास के पन्नों पर लिखी जाएगी, जिसकी बानगी एक ऐसे शख्स जिसे 151 की धारा के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया और उसे जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया और उसकी मृत्यु हो जाती है। परिवारजनों के कथन अनुसार आरोपी बार बार पुलिस के समक्ष गुहार लगाता रहा कि मुझे सीने में दर्द है, लेकिन पुलिस ने एक ना सुनी और उसकी मृत्यु हो गई। उसके बच्चे अनाथ हो चुके हैं, जो कि धारा 151 के तहत गिरफ्तार किया गया था। और आज सागर की जनता पुलिस प्रणाली पर एक सवालिया निशान लगा रही है कि क्या इस तरह का व्यवहार पुलिस के लिए उचित है। आज एक घर का दीपक बुझ चुका है, उसके बच्चे अनाथ हो चुके हैं और उसका एवं उसके परिवार का लालन पालन करने वाला अब कोई सहारा नहीं बचा, जिसको लेकर परिवार वालों ने शव को लेकर मोती नगर थाने चौराहा पर चक्का जाम कर दिया एवं जांच की मांग की। यहां हम बता दें कि मोती नगर थाना पुलिस ने धारा 151 में संत रविदास बाड़ निवासी नरेंद्र अहिरबार उम्र 40 वर्ष को सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट में पेश होने के बाद नरेंद्र बाहर निकला और अचानक फर्श पर गिर पड़ा, जिसे अस्पताल पहुँचाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। इस संबंध में मृतक के पिता मंगल प्रसाद उर्फ कोमल बाबा ने आरोप लगाए हैं कि बेटे को सीने में दर्द हो रहा था, लेकिन पुलिस वालों से बार बार गुहार लगाने पर भी पुलिस कर्मचारियों ने उसकी एक ना सुनी और उसकी मृत्यु हो गई। इसी कारण उसके बेटे की जान चली गई। सागर से जिला ब्यूरो राजेश पारासर की रिपोर्ट। सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था, वहाँ उसको जमानत मुचलके पर रिहा किया गया और उसी अवधि में बाहर परिसर में बैठे दौरान वह अकस्मात से मतलब अचेत हुआ। जो उपस्थित लोगों ने उसको वहाँ पर जिला चिकित्सालय भेजा, जहाँ पे उसको मृत घोषित किया गया। इस पूरे घटनाक्रम के संबंध में जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट से जाँच कराने हेतु जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय को एक पत्र यहाँ से भेजा गया था, जिसके पालन में आज दिनांक को जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट महोदय ने उसका मर्ग पंचनामा और आगे की मर्ग जाँच करवाई। सर उनके